हेलो फ्रेंड्स, हेलो, गुड आफ्टरनून। तो आई होप यू ऑल गुड। फ्रेंड्स, आज है संडे, तो हम संडे स्पेशल सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और ये देखिए आप, फुल व्यू कितना अच्छा है ना। ये रास्ते का मैंने कुछ कैप्चर किया था आप लोगों के साथ। आगे और देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत है। तो फिर मैंने आप लोग के लिए कैप्चर किया, ये देखिए। और आज हम जा रहे हैं मूवी देखने, तो मैं वहीं जा रही थी तभी मुझे ये बैकग्राउंड दिखा और मैंने कैप्चर किया। तो आज हम जा रहे हैं मूवी देखने। वो मूवी बहुत ही अच्छी है। अच्छी इसलिए है क्योंकि मुझे फैमिली टाइप की मूवी देखना पसंद है। तो ऐसी मूवी लेगी है जिसे हम अपने मम्मी पापा अपने फैमिली के साथ बैठ के हम उसे देख सकते हैं। तो वो हम देखने गए थे, वो मूवी है जुग जुग जियो। तो बहुत अच्छी मूवी है। और ये देखिए, आपको पता है यहाँ मौसम हमेशा कूल रहता है, इसलिए यहाँ का बैकग्राउंड भी बहुत सुंदर रहता है। ये देखिए, ऐसा लग रहा है बस बादल हमारे पास ही हैं। बहुत बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत ऊंचाई पे भी है, वेलिंगटन बहुत ऊंचाई पे पहाड़ पे बना हुआ है, बसा हुआ है। तो बहुत ही सुंदर व्यू है, ये देखिए मैंने। और यहाँ तो ऑलमोस्ट जंगल ही देखने को मिलेंगे, ये देखिए आप। और बस अब हम पहुंच गए, आर्या अपने पापा जी की गोद में है, अब हम जा रहे हैं अंदर। और अब आप ना ये बाहर का बैकग्राउंड देखिए, ये थिएटर के सामने का है, कितना सुंदर है। आपको पता है यहाँ हमेशा ऐसे ही बस ग्रीन ग्रीन दिखता है, तो बहुत खूबसूरत लगता है हर जगह। और ये मूवी का फर्स्ट में ही है, मैंने थोड़ा कैप्चर किया, तो ये फर्स्ट में ही आपको देखने को मिलेगी ये सीन। तो बस मैंने इतना ही लिया, अब बस हम निकल रहे हैं। आर्या बैठ गई अपने पापा जी के साथ, तो बस मूवी खत्म। ये देखिए, और आपको पता है यहाँ मोस्टली जंगल ही है, तो बस पेड़ पौधे ग्रीन ग्रीन और बहुत ही लंबी लंबी झाड़ियाँ ये सब देखने को मिलता है, पर बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पार्क तो काफ़ी ज़्यादा पार्क है। अब ये देखिए, बस रोड के बगल से ही पार्क है, ये देखिए कितना सुंदर है। और ये बस तो फ्रेंड्स, आज था संडे, तो हमने संडे स्पेशल किया। आज हम संडे स्पेशल मूवी देखने गए थे। आज थी मूवी थी जुग जुग जियो। तो बहुत मजा आया, फुल इंटरटेनमेंट मूवी थी, फैमिली मूवी थी जिसे हम फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, तो बहुत अच्छी थी। और मैंने अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट से कुछ सामान मंगाया है, तो सैंडल आज मैंने उसे यूज़ भी किया था, मैंने पहना भी था। साइड में मैं वीडियो अटैच कर दूंगी, तो आप देखिएगा। बहुत ही कंफर्टेबल सैंडल है और बहुत ही अच्छी है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है और बहुत ही कम रेंज में है। मैंने उसकी इमेज भी सेंड कर दूंगी। और ये देखिए, ये मैंने इसमें काफ़ी सारे कलर अवेलेबल हैं, तो मैंने इसमें ब्लैक एंड वाइट का मैंने मंगाया है। और इसकी इतनी हील है, देखिए इतनी हील है, काफ़ी अच्छी हील है और क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छा है, फुल लास्टिक है इसमें। तो इसमें काफ़ी सारे कलर हैं, तो अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में, इसके मीशो में कोड होता है, लिंक नहीं होता, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और मैंने फ्लिपकार्ट से अभी एक नेकलेस मंगाया हुआ है, उसका भी मैं आगे आपको वीडियो दिखाती हूँ। और आज संडे स्पेशल मैंने बनाया है लौकी का हलवा, वो भी मैं आपके साथ आपको दिखाती हूँ और आपको शेयर करती हूँ आपके साथ। तो ऐसा रहा मेरा संडे। और संडे तो वैसे भी फुल बिजी रहता है, तो मेरा भी आज फुल संडे पूरा दिन बिजी था। सुबह तो काम में निकल जाना है और फिर टीम मूवी देखने चले गए, तो आधा दिन तो उसी में निकल गया। और बस अभी फ्री हुई, अभी बस आए, तो मैं सोची थोड़ी सी आपसे बातें करती हूँ, कुछ चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ। तो बस ऐसा रहा, तो देखिए आप भी। तो फ्रेंड्स, पहले ये देख लीजिए, उसके बाद मैं गाजर का हलवा आपको दिखाती हूँ अपना। तो ये है नेकलेस, ग्रीन कलर का है, जो मैंने अभी हाल ही में मंगाया, तो उसका ही मैंने वीडियो पहले ही बना लिया था, अभी मैंने अटैच कर दिया। तो ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत है और स्टोन वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, एकदम छोटू सा। इसमें इयररिंग्स मिला है और ये नेकलेस, ये देखिए इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी थी, डब्बे पे मिला तो पैकेजिंग भी बहुत अच्छी थी। ये छोटू से इयररिंग्स, ये देखिए। और ये रहा हमारा फाइनली नेकलेस।
ये देखिए, अच्छा इसका हार्ड है तो जल्दी से ढीला या टाइट करने की ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, बस एक बार फिक्स कर दो तो हो जाएगा। इसका रिबन काफ़ी अच्छा है और अच्छी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ये देखिए। और ग्रीन कलर ऐसा है कि रेड साड़ी पे भी आपके बहुत अच्छा सूट करेगा, तो आप इसे बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं। रेड कलर पे भी, ग्रीन कलर पे तो होगा ही मैचिंग मैचिंग, और इसमें पिंक कलर में भी कर सकते हैं क्योंकि बीच में इसमें पिंक कलर का स्टोन लगा हुआ है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत है। और ये रहा मेरा गाजर का हलवा, तो मैंने थोड़ा सा ही बनाया था क्योंकि बस हम और हमारे हैप्पी हैं, बस दो लोग ही हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही बनाया था। और गाजर वैसे भी काफ़ी सारी लगती है, काफ़ी सारा बनाओ और होता पकने के बाद थोड़ा सा है। तो ये देखिए कंप्लीट, अब मैं इसे आर्यो से टेस्ट करवाती हूँ। क्या खा रही हो आर्या, बताओ क्या खा रही हो? हलवा। ये आरू का हलवा अच्छा है, इधर देखिए बताओ अच्छा है, आपको अच्छा लगा? अच्छा है, ओके खा लो। और ये ओम जा, थोड़ा सा ओम को चट्टू करा दो, ओम को चट्टू करा दो थोड़ा सा, जा थोड़ा सा ओम को चट्टू कराओ। जा रही हो ओम को खिलाने? खिला दिया, ओके अब आप खा लो, तो पू निकाल दो अभी। आप खा लो, बैठ जाओ अच्छे से, ये आप खा लो अपना। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सो एंजॉय आवर संडे। और अब मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय कलो आरू। बाय।